तो मुझे ऐसा है कि मैं तो घर से चाह रही थी कि ब्लॉग शुरू किया जाए, लेकिन मैं एज यूजुअल लेट हो गई हूँ और मैं मेरा रिकॉर्ड बहुत बुरा है कि अगर मैं किसी को 2 बजे का टाइम दे रही हूँ तो 3 बजे पहुंचूँ, दैट्स रियली बैड। लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आज मैं जा रही हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके मम्मी फादर वगैरह कहाँ है, मेरे मम्मी पापा, तो ऐसा है कि वो दोनों ही नहीं है और मेरे तीन ब्रदर्स हैं, तीनों ही मुझसे काफ़ी बड़े हैं, कोई 11 साल 10 साल ऐसे 12 साल। तो जो तीनों है ना, तीनों ने पाला है, बहुत प्यार करा है, मेरे लाड लड़ाए हैं। इधर कहते हैं ना, ससुराल में मम्मी पापा ने भी बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इधर भी बहुत प्यार मिला। तो आज मैं अपनी भाभी को मिलने जा रही हूँ, मैं जो है दूसरे नंबर वाली भाभी, उनके पास जा रही हूँ मिलने। और ज़्यादा बातें नहीं करती, जल्दी जल्दी भागती जाती हूँ और फिर आगे आपको दिखाई। तो सूलन सर तो मैं उसकी दादी बुआ लगी, और जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में जो मैंने उसके लिए थोड़े से गिफ्ट्स रखे थे, मैं वो निकालना भूल गई हूँ, मीन्स गाड़ी में रखना भूल गई हूँ। दैट्स रियली सैड। कोई बात नहीं जी, लेकिन फटाफट पहुँचते हैं। अब तो मैं ऑलमोस्ट उनके घर के बाहर हूँ, तो जल्दी से ना अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं पहुंच चुकी हूँ। एक बात और बताऊँ, मेरे को पहुंचना 2 बजे था और बच चुके हैं 4, जो कि लंच का प्रोग्राम था। लंच के साथ आज चाय का प्रोग्राम भी साथ में हो जाएगा। तो बेल कर चुकी हूँ, अभी तक किसी ने खोला नहीं है। जैसे मैंने इंतजार करवाई है, मुझे लगता है मेरी बारी है। तो गर्मी बहुत है। हाँ जी भाभी खोलो, पहुंच गई मैं। मेरी बड़ी कूली, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड करा कि आजा आजा, तो इसका मतलब कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, पहुँच तो गई, दैट इज़ अ मेन थिंग। तो यहाँ रहती है मेरी छोटी भाभी, जो कि भी मुझे पता नहीं घर पे है कि नहीं, लेकिन दावत जो है आज मेरी बीच वाली भाभी के पास है, छोटी बीच नम के पास। दरवाज़ा ऑलरेडी उन्होंने खोल के रखा हुआ था। हेलो शम भाभी, सत श्रीकाल। आपको बहुत देर वेट करवाई, एज यूजुअल मैंने इतनी इंतजार करवाई कि खाने की प्लेटें तैयार पड़ी है। ये आ गई मेरी प्यारी बहू रानी। ये लैला में लैला वाली, इसकी साड़ी के सब पूछ रहे थे कहाँ से ली है, कहाँ से ली है जैस्मिन? क्या बात है, तो आप भी जाएं शॉपिंग करें। सत श्री अकाल पुत्र। तो इसका नाम है जश्नी। ये बहुत रिजल्ट भी आ गया। क्या रिजल्ट आया? क्या बात है, आजकल के बच्चे बहुत ब्राइट है, सबने ऑनलाइन पेपर दिए। सब आने वाले डाइनिंग टेबल पर, मैंने स्पेशली कह के भाभी से बनवाई थी घीरे की सब्जी, ये बहुत स्वाद बनाती है मसाले वाली, और मसाला आलू साथ में रायता सलाद, सिंपल खाना मज़ेदार जो आ जाओ भाभी आप ही जल्दी से। जशू तो यहाँ वेट कर रही है, आ जाओ आ जाओ जशू। जैस्मिन आ जा। सज गई है मेरी, और मेरी फेवरेट हरी मिर्च, जो मैं इसको कैसे मिस कर सकती हूँ। और अचार आ रहा है, भाभी अचार भी दे दो। हमारा ननान भरजाई का बहुत प्यार है, अगर झगड़ा भी हो ना तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने इतनी वीडियो प्यार वाली डाल दी है। थू 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 थू। तो आप भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं, भाभी के हाथ से बनवा के खिलवाएं और इंजॉय कीजिए। खाना हो चुका है बिल्कुल खत्म। ये लड़की क्या ढूंढ रही है? फोटो अपनी रोमांटिका वाली। तो पेट पूजा हो चुकी है जी, अब बारी है गर्मा गर्म ये बैठ के चाय रील्स को एंजॉय किया जा रहा है। हेलो भाभी जी। ये मेरी ही रील्स देख रही है, मैंने ऐनक डाली होती है, और ये सिंपल होता है कि ऐनक हटा दो, उसे ना फेस बड़ा बड़ा बड़ा। वैसे तो मम्मी मम्मी को भी बता के मैं ऐनक हटा दूं। अरे पता क्या, थोड़ा ना फेस मैच्योर लगता है इसमें, थोड़ा छोटा छोटा लगता है उसमें ना, ऐसे पूरा पूरी मस्टर्ड आने लगती। तो जी ये वेट हो रही है ऊबर की, आज ऊपर वाले बंद लकड़े दिखा रहे हैं। तो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग, 270 पटेल नगर तक मॉल टाउन से। तो मैं अपनी गाड़ी पे आई, अगर ड्रॉप कर सकती तो कर सकती हूँ, कर दो चलो, लेकिन बहुत दूर जाना है। लेकिन मेरे घर तक आज मेरे घर तक तेरे को इनवाइट है। यहाँ पे चाय की तैयारी के साथ साथ जशू रानी एंजॉय कर रही है रील्स। बेटे खाली बुआ की रील्स देखते हैं बेटे। बनाने के बाद मैडम जशनी के साथ मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि हम दोनों बहुत हॉट हैं। ये वीडियो के चक्कर में बुआ के लिए प्लेट लग रही है जैस्मिन। यस। नहीं तो नहीं लगनी थी। नहीं, मुझे भी ऐसे ही खाना था।
मैं कह ट्रे तो भी सजाई जा रही है। फिर तो हमने ना पता क्या करना था, कटोरी ले आती मैं सामने पर। हाँ भाई बर्तन कौन धोएगा बार बार, समय आने का भी कौन। अरे भाई चाय चाय का रोला पाया, ऐसे चाय से रख दो। काजू के बिस्किट, काजू के बिस्किट भी आया जो मेरे बहुत फेवरेट है। काजू के बिस्किट भी साथ में सजा दिए। अभी क्या कर रही थी, खा लो अब बहुत हो गया। चाय साथ में काजू बिस्किट, चाय की प्याली हो। लो जी सबके हिडन टैलेंट वापस सामने आ रहे हैं नजर। घर वाला मेरा इंतजार कर रहा है, घर वाले को रोज देखते हैं। तो 8 बज गए हैं जबकि मुझे पता है कि ये खाना खा चुके होंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, जल्दी से घर पहुंचू। मुआ ये मरी इशिता, वो इशिता के लिए। तो भाई जाते जाते कुछ ना कुछ हाथे पकड़ाना जरूर है। अरे मेहनत कल भी होली निकली है। चलो ओके भाभी, बाय बाय जैस्मिन, जी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और यहीं पे अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि अब घर जाके पहले देखा जाए कि घर वाले क्या कर रहे हैं। बहुत देर हो गई है, तो जल्दी ही दोबारा ही एक नए ब्लॉग में मिलूंगी। लव यू ऑल।